क्योंकि ये चुनाव का समय है और ईडी सीबीआई ये सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में है और आज ये एसबीआई भी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है और ये बीजेपी को बचाने के लिए बीजेपी का डाटा छुपाने के लिए आज समय मांग रहा है और जो बहुत ही अनैतिक है और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ एक एसबीआई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, ईडी हो सीबीआई हो या जितने भी सरकारी महकमे हैं वो सब इस वक्त ही सरकार के इशारे पे काम कर रही है। एसबीआई बीजेपी के दबाव में इस काम को कर रही है और एसबीआई को बीजेपी को पता है कि अगर हमारा ये डाटा डिक्लेयर हो गया तो हम चार पे सिमट के रह जाएंगे और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मोदी का परिवार दिख तो गया, मोदी का परिवार अडानी और अंबानी जैसे लोग है, मोदी परिवार ये भी मोदी परिवार का एक हिस्सा समझ लीजिए आप। एसबीआई मोदी का परिवार क्या ये देशवासी नहीं है? मोदी का परिवार ये हम जैसे लोग नहीं है? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मौजूद हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस में और लगातार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं और ये जो लोग नारे लगा रहे थे, कह रहे थे कि एसबीआई और भाजपा भाई भाई, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, अगर आपको आपको बताएं कि जो कोई भी कंपनी है अगर किसी भी पार्टी को पैसे देती है जो उसका पता नहीं लगा पा सकते हैं कि कितने पैसे दिए हैं उस कंपनी ने उस पार्टी को, ये चुनिंदा जो चुनावी जुमला लगातार जो बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है ये जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पे सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन धारा 144 के तहत इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा था। बीजेपी का एसबीआई कर रही है, देखिए एसबीआई कर रही है लेकिन किसके दबाव में कर रही है, आपको ये समझना भी जरूरी है। एसबीआई बीजेपी के दबाव में इस काम को कर रही है और एसबीआई को बीजेपी को पता है कि अगर हमारा ये डाटा डिक्लेयर हो गया तो हम चार पे सिमट के रह जाएंगे और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा इसमें? देखिए ये हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे भी ये दबाव डालेंगे, हमारे यूथ के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, ताकि ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरा एक्शन लेंगे और ये डाटा पूरी जल्द से जल्द क्लियर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट समय दे देगा? देखिए देखिए अगर ये बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेती है तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस पे समय दे दे, क्योंकि ये चुनाव का समय है और ईडी सीबीआई ये सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में है और आज ये एसबीआई भी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है और ये बीजेपी को बचाने के लिए बीजेपी का डाटा छुपाने के लिए आज समय मांग रहा है और जो बहुत ही अनैतिक है और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्या मांगे लेके आप सड़कों पे उतरे हैं? हम एसबीआई जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री की कठपुतली बन चुकी है उसके विरोध में हम युवा कांग्रेस के तमाम साथी उतरे। तो आप कहना चाहते हैं जो एसबीआई और भाजपा सरकार के इशारों पे काम करता है? सिर्फ एक एसबीआई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, ईडी हो सीबीआई हो या जितने भी सरकारी महकमे हैं वो सब इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के। तो अगर घोटाला कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी का नेता करता है तो ईडी सीबीआई तो भेजी जाएगी ना उनके घर? ईडी सीबीआई सिर्फ कांग्रेस ही या विपक्ष जो है हमारा इंडिया गठबंधन के नेताओं के यहाँ ही क्यों जाता है? ईडी सीबीआई बीजेपी के लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाता? ईडी सीबीआई उनके यहाँ क्यों नहीं जाता जो पहलवानों के विरोध में काम करते हैं, पहलवान बेटियों को देश में कुचलने का काम करते हैं, उन तक सीबीआई एसबीआई क्यों नहीं पहुंचते हैं लोग जितने भी? जो आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार जो पोस्टर था उस पर लिखा हुआ था कि ईडी जो इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब एसबीआई और भाजपा भाई भाई, इस तरीके के नारे लगाए हुए, तो क्या दर्शाना चाहते हैं उससे? तो ये तो उद्योगपति के भाई है, एसबीआई ने जो काम किया है वो आपको पता है, खासकर मीडिया जानता है कि वो किसके इशारों पे हुआ है। तो ये भाई भाई की जोड़ी मोदी जी आजकल कह रहे हैं खूब मीडिया में कि मोदी परिवार, ये भी मोदी परिवार का एक हिस्सा समझ लीजिए आप एसबीआई। तो जब लालू यादव इस तरीके के भाषण देंगे कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी फिर? मोदी का परिवार दिख तो गया, मोदी का परिवार अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, मोदी का परिवार वो है जो आपका पहलवान जो किसानों का विरोध हो रहा था, पहलवान जो विरोध कर रहे थे, किसान जो विरोध कर रहे थे, किसानों के विरोधी जो है इस वक्त ब्रजभूषण सिंह पहलवानों के विरोधी, उनके साथ जो खड़े हुए थे वो परिवार है मोदी जी का, ब्रजभूषण जैसे लोक परिवार हैं मोदी जी का। तो आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों को ये नहीं पता था कि धारा 144 लागू है तो आप लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा? धारा 144 लागू हो या ना हो, मोदी सरकार और अमित शाह जी की आदेश पे
दिल्ली पुलिस हमें कभी भी ढंग से आंदोलन या प्रदर्शन करने ही नहीं देती। आज तो धारा 144 की बात थी, अगर धारा 144 नहीं भी लगी होती तो भी आप यही बर्ताव देखते जो पुलिस का था। आप सिर्फ भाजपा सरकार को टारगेट करते हुए बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेंगे, जो और पार्टी उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं क्या? सरकार से सवाल पूछा जाता है मैम, विपक्ष से कौन सा? भाजपा सरकार ने हमारे बैंकों के खाते सीज करके पैसे लूटे हैं। ये वो पैसे थे जो हर एक कार्यकर्ता की जेब में से निकले थे। 1 रुपया था, 10 रुपए थे, 11 रुपए थे, 1000 रुपए थे, हर एक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं से जेब में से निकले। तो भाजपा सरकार ने उनका जो अकाउंट है ना, ये भाजपा सरकार ने लूटे हैं और किसी से नहीं लूटे। जो CBI ED है भाजपा सरकार की तरफ से ही है, जिसके मतलब जो भाजपा में शामिल होते उसके घर ईडी नहीं भेजते। लेकिन जिस तरीके से जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक, तो आप लोग थोड़ा समय लीजिए, रुक जाइए। आप लोग इधर सड़कों पे उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना क्या सही बात नहीं है? बताइए तो क्या उससे चीजें पता चल जाएंगी पहले ही, क्योंकि डेट तो एक्सटेंड पहले से ही हो चुकी है ना। सड़कों पे उतर के प्रदर्शन ना करते आप आते? बताइए आप आते? हम तो आपसे सवाल ही करने आए हैं ना, तो हम भी आपको जवाब ही दे रहे हैं ना मैम। प्रदर्शन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। प्रदर्शन करना ये भारत का संविधान का हमारा एक उसमें से बहुत सुनहरी एक चीज है, प्रदर्शन करना, वो हम कर रहे हैं। लेकिन धारा 144 के तहत आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, अभी आप लोगों को डिटेन करके ले जाते हैं लोग। तो मैम धारा 144 लगाई क्यों, कब लगी बताइए, किस टाइम पे धारा 144 लगी आप बताइए? इस टाइम लगी हुई है ना, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, चुनावी माहौल क्या कोड ऑफ कंडक्ट लग गया? बताइए आप, बताइए ना। नहीं लगा ना मैम कोड ऑफ कंडक्ट। धारा 144 जब भी कोई धरना प्रदर्शन करने दे, धारा 144 लगा देते हैं। जब भी कोई मंत्री इनके कैबिनेट में नहीं शामिल, इनके बीजेपी में नहीं आता, उसके बाद CBI ED भेज देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है? क्या विपक्ष को खत्म करने की तैयारी में है? भाजपा सरकार खुद को खत्म करने की तैयारी में है। विपक्ष कभी खत्म नहीं होता। विपक्ष को दबाया जा सकता है, पर जो चीजें संविधान, ये मैम कुदरत का नियम है, जिस चीज को ज्यादा दबाओगे उसकी वो ऊपर उतनी हाइट से आएगी। तो भाजपा सरकार ये कह रही है कि मतलब सारा कुछ ही हम अपने अंडर कर लें, वो हो नहीं सकता। तो ये भाजपा सरकार खुद ही खत्म होने के रास्ते में। तो क्या 2024 में मोदी का परिवार लिख रहे हैं, ये तो टैनी भी मोदी का परिवार है। बताइए जो लखीमपुर खेरी में हुआ और ये ब्रिजभूषण जी हैं जिन्होंने हमारी बहनों के साथ ये करा, तो ये भी मोदी का परिवार है। तो बताइए, ये बहुत मतलब संगीन मुद्दा है। मोदी का परिवार है कौन सा? मोदी का परिवार वो भारतीय नहीं है? सभी भाजपा के नेता जो है वो लिख रहे हैं अपने अकाउंट के आगे कि मोदी का परिवार। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ मैम, कितनी गलत बात है। मोदी का परिवार क्या ये देशवासी नहीं है? मोदी का परिवार ये हम जैसे लोग नहीं है? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री मोदी है, पूरी देश का प्रधानमंत्री होता है। और अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि हम उसी के, वो राजा है ना, राजा की तरह ही चल रहा है, वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, तो सत्ता हमारी प्रजा की तो सुननी चाहिए उसको। लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मोदी का परिवार जो चल रहा है, क्या हम मोदी का परिवार नहीं, क्या जनता मोदी का परिवार नहीं, क्योंकि लगातार जो भाजपा के नेता है वो अपने अकाउंट के आगे तो लिख रहे हैं मोदी का परिवार, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो जनता है, किसान है, महिलाएं हैं, वो मोदी का परिवार नहीं है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।